गुलबर्गा शहर के आज़ादपुर रोड की रहने वाली 18 साल सलमा बेगम नामी ये लड़की ब्रेन ट्यूमर बीमारी का शिकार हुई है और शहर के यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इस लड़की का ऑपरेशन भी किया गया है। कुल 3 सर्जरी किए गए हैं जिसको काफ़ी लंबा वक्त लगा है और सलमा बेगम के घर वालों की माशी हालत काफ़ी कमज़ोर है। अब तक अपने इस्तेतात के मुताबिक इन्होंने इस लड़की का इलाज करवाया। दिमागी ऑपरेशन के लिए लाखों रुपयों का खर्च हो रहा है। इस लड़की के इलाज के लिए आप तमाम की मदद की ज़रूरत है। सलमा बेगम की माँ इस वीडियो के जरिए आप तमाम से मदद की गुजारिश कर रही हैं। वीडियो में अकाउंट नंबर और फ़ोनपे नंबर दिया गया है। तमाम लोग मिलकर अपनी जानिब से इनकी मदद करेंगे तो सलमा बेगम घर वापस लौट सकती हैं। इनकी मदद करने के साथ साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इनकी मदद कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीरा बेगम है। मैं आज़ादपुर की रहने वाली हूँ और मेरी बच्ची 6 अगस्त को यूनिट 10 स्कूल दवाखाने में एडमिट हुई सो है और ब्रेन ट्यूमर का 3 ऑपरेशन हो गया सो है और दवाखाने वाले बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्ची का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करे सो है और अभी तक कुछ बात की तकलीफ नहीं दी उन्होंने। अब पूरा इलाज होने को आया है। अब आखिरी डिस्चार्ज करने की इसमें है। अब ज़रा भरने का है पैसा, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। आप लोग ज़रा मदद करें तो बहुत मेहरबानी होती। मेरी बेटी का नाम सलमा बेगम है, हम आज़ादपुर के रहने वाले हैं, उमर कॉलोनी आज़ादपुर रोड पर रहने वाले हैं। हॉस्पिटल वाले कैसा कोऑपरेट करें आपके साथ इलाज का? बहुत अच्छा करें, हमको कुछ बात की तकलीफ़ नहीं दी उन्होंने, कुछ बात से कुछ भी टेंशन नहीं दिए, कुछ नहीं दिए और दवाएं और टाइम पर टाइम देते गए और गुलोकसा और इलाज पूरा अच्छे से हो गया मेरी बच्ची का। अब क्या है, अब थोड़ा बाकी है, अब 2-4 दिन में डिस्चार्ज करते हैं उन्होंने भी। अब ज़रा बिल भरना है, मेरे पास जो भी थी मदद मैं उतनी भर सकी हूँ, अब इसके आगे नहीं है। आप लोग ज़रा मेरी बच्ची की मेहरबानी कर उतनी बिल क्लियर करना है। आप लोग मेहरबानी कर उतना कर दो, बहुत बहुत शुक्रिया।